तो हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप दोस्तों। आज मैं आपको बताना हूँ व्हाट्सएप के दो नए अपडेट के बारे में, या फिर बोल सकते हैं व्हाट्सएप के दो नए फीचर के बारे में जो कि बहुत ही कमाल के हैं। ये जो फीचर हैं फिलहाल कुछ ट्विटर यूजर को रोल आउट हो चुके हैं और कुछ आने वाले टाइम पे सबको रोल आउट होने वाले हैं। दोस्तों ये क्या नए फीचर है और कैसे इसको यूज कर सकते हैं। यहाँ पर जो सबसे पहला जो फीचर है दोस्तों, यहाँ पर जो एड ऑन किया गया है ये फिलहाल आज ही के दिन में रोल आउट किया गया है। कुछ बीटा टेस्टर को या बोल सकते हैं कुछ बीटा यूजर को इसको रोल आउट कर दिया है, जो कि है कम्युनिटी टैब के बारे में। कम्युनिटी टैब के बारे में मैं पहले ही बता चुका हूँ कि उसमें बहुत दिनों से काम चल रहा था, फाइनली उसको रोल आउट कर दिया गया है। तो सबसे पहले बता दूं दोस्तों, ये जो कम्युनिटी वाला टैब वाला आपको फीचर है वो कैसे आपको मिलने वाला है, कहां आपको देखने वाला है। अगर आप व्हाट्सएप नॉर्मल यूजर यूज करते हैं, जैसे कि मैं इसको स्क्रीनशॉट लगा के दिखा रहा हूं, तो ऊपर आपको यहां साइड में लेफ्ट हैंड पे जो कैमरे का साइड मिलता है ना, वहां पर आपको कम्युनिटी का साइड मिलेगा। वहां पर आपको कम्युनिटी का साइन मिलने वाला है, मतलब एक ग्रुप्स ऑफ पीपल्स आपको वहां पर साइन मिलेंगे। आप उस पर क्लिक करेंगे तो वहां पर आप पहुंच जाएंगे। तो ये यहां पर आपको सिंपली ऐसा देखने वाला है जैसा कि मैं स्क्रीनशॉट लगा के आपको दिखा रहा हूं। वहां पर एरो में आपको दिख रहा होगा कुछ ग्रुप्स ऑफ पीपल्स हैं और नीचे भी लिखा हुआ इंट्रोड्यूसिंग कम्युनिटी, इजी ऑर्गेनाइज रिलेटेड टू ग्रुप एंड सेंड अनाउंसमेंट, नाउ यू कैन कम्युनिटी लाइक नेबरहुड और स्कूल और कैन यू। जैसा कि मैंने बताया था, यहां पर आप कम्युनिटी के लिए बना सकते हैं, लाइक स्कूल के लिए, कॉलेजेस के लिए, कि एक एक ग्रुप को, एक एक क्लास को, उन्होंने सब क्लास को, मतलब जैसे फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, उनको एक कम्युनिटी में डाल दिया, जिसमें कि अगर कोई अनाउंसमेंट होगी तो ऑटोमेटिक सारे ग्रुप में चली आएगी, आपको इंडिविजुअल एक एक क्लास वाइज नहीं डालनी रहेगी। तो ये होता है कम्युनिटी। यहां पर आप देख सकते हैं इसमें आप क्या कर सकते हैं, ऑर्गेनाइज एंड रिलेटिव ग्रुप आप मैनेज कर सकते हैं, एक जैसे ग्रुप जो भी रिलेटिव हैं, कीप चैट फोकस, कोई भी चैट को आप फोकस में रख सकते हैं, और साथ में एवरीवन को आप कोई भी अपना अनाउंसमेंट डाल सकते हैं। तो आप यहां पर आप देखेंगे नीचे की तरफ, इसी में स्क्रीनशॉट में आपको दिखा रहा हूँ, एज यू कैन सी स्क्रीनशॉट इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड फीचर, आपको इससे समझ में आ गया होगा फीचर क्या है। वी कैन रिकमेंड किंग रीओपनिंग द ऐप आफ्टर द अपडेट टू टेस्ट, यू कैन ऑलरेडी स्टार्ट क्रिएटिंग अ कम्युनिटी बाय एडिंग अप टू, आप एक कम्युनिटी के अंदर 10 ग्रुप को डाल सकते हैं, मतलब कि एक ग्रुप के अंदर 512 जो पीपल्स होते हैं आप ऐसे करके 10 ग्रुप वहां पर एड ऑन कर सकते हैं। कम्युनिटी मेंबर कैन चूज विच सब ग्रुप ज्वाइन बेस्ड ऑन देयर पर्सनल प्रेफरेंस एंड देन कैन लीव सब ग्रुप विदाउट लीविंग अ कम्युनिटी। तो यहां पर आप कितने भी किसी भी ग्रुप को आप यहाँ कोई भी कम्युनिटी मेंबर यहाँ पर ज्वाइन यहाँ पर वो कर सकता है मैनेज कि कौन सब ग्रुप इस कम्युनिटी के अंदर ज्वाइन करेगा, और वो ग्रुप को छोड़ भी सकता है और कम्युनिटी को नहीं भी ली। मतलब अगर मान लो मैं किसी ग्रुप में आया हूँ और मैं उसके अंदर एक कम्युनिटी में भी हूँ, अगर मैं ग्रुप छोड़ देता हूँ तो मुझे जरूरी नहीं कि मुझे कम्युनिटी भी छोड़नी रहेगी। मैं कम्युनिटी के अंदर जरूर रहूंगा पर मैं ग्रुप वहां पर लेफ्ट कर सकता हूँ। जैसे ही आप कम्युनिटी ग्रुप बनाएंगे वहां पर, जैसे ही आप कम्युनिटी क्रिएट करेंगे तो उसके अंदर एक ग्रुप ऑटोमेटिक बन जाएगा जिसका नाम है अनाउंसमेंट ग्रुप। उसके अंदर क्या होगा कि आप जैसे भी कोई भी कुछ भी लिखेंगे, मतलब कोई अनाउंसमेंट आप लिखेंगे, तो ऑटोमेटिक जितने भी आपकी कम्युनिटी के अंदर ग्रुप्स होंगे सब में ऑटोमेटिक वो मैसेज आपका डिलीवर्ड हो जाएगा। और ये जो मैसेज रहेगा, कम्युनिटी एडमिन्स कैन सेंड मैसेज दैट ऑनली विजिबल फ्रॉम ऑल मेंबर, जो भी कम्युनिटी के मेंबर्स हैं सिर्फ वही वो वहां पर मैसेज कर पाएंगे। और व्हाट्सएप आने वाले टाइम पे ऐसा भी वर्किंग कर रही है कि कम्युनिटी के अंदर जो नंबर होंगे वो सब हाइड हो जाए। तो सबसे पहला फीचर तो यही था। जो सेकेंड फीचर है वो है व्यू स्टेटस अपडेट विद चैट लिस्ट। अब क्या कर सकते हैं आप, चैट लिस्ट के अंदर ही स्टेटस देख सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया, आप इंस्टाग्राम पे जाते हैं तो किसी की प्रोफाइल पे अगर टैप भी करेंगे तो अगर उसने अपना स्टोरी डाल के रखी होगी तो आपको वहां दिख जाती है। सेम ऐसा ही यहां पर होने वाला है, जैसा कि आप देख रहे हो कि मैं आपको स्क्रीनशॉट लगा के भी दिखा रहा हूं, ऐसा आपको सेम यहां पर मिलने वाला है। जब कोई भी अगर आप स्टेटस डालेगा तो आप चैट हिस्ट्री में ही जाके देख सकते हैं, आपको पर्टिकुलर स्टेटस वाले ऑप्शन पर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो सेकंड अपडेट यही था। ये जो नए फीचर है फिलहाल अभी अपडेट में आने वाले हैं, हो सकता है बहुत जल्दी रोल आउट हो जाए। जैसे ही रोल आउट होंगे मैं आपको वीडियो बना के बताऊंगा। तो उम्मीद है कि आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी, तो थैंक यू। और ऐसी इंटरेस्टिंग या बोल सकते हैं अपडेट्स के लिए अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और नोटिफिकेशन बेल वाला आइकन को भी दबाना ना भूलें, ताकि जैसी नई वीडियो डालूं आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले। तो थैंक यू दोस्तों।